नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 ईदगाह। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत इंस्पायरिंग है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अ फुल 30 डे आफ्टर रमज़ान केम ईद। जैसा कि हमें पता है कि 30 दिनों के रमज़ान के बाद में ईद आती है, तो यहीं पर यह बताया गया है कि 30 दिनों के बाद, 30 डेज के बाद में रमज़ान के बाद ईद आ गई। इट वॉज अ ग्लोरियस मॉर्निंग एंड द विलेज वॉज एगो विथ एक्साइटमेंट। सुबह की बात है, मॉर्निंग बहुत ग्लोरियस थी एंड जो विलेजर्स थे वो सारे किसी चीज़ को देखने और सुनने के लिए बहुत एक्साइटमेंट थे। एगो का मीनिंग होता है किसी चीज़ को देखने और सुनने के लिए एक्साइटेड होना। पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू द ईदगाह। लोग तैयार हो रहे थे कहाँ जाने के लिए, ईदगाह जाने के लिए। बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वॉज हामिद, अ लिटिल बॉय ऑफ 5 ईयर्स ओल्ड। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो खुश लग रहा था वो कौन था, हामिद, जो कि एक 5 साल का बच्चा था। एन ऑफन, ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर अमीना। ऑफन का मीनिंग होता है अनाथ, जिसके माता और पिता दोनों ना होते हैं वो अनाथ होता है। तो हामिद एक अनाथ बच्चा था, किसके साथ रह रहा था, अपनी ग्रैंड मदर अमीना के साथ में रह रहा था। एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स, और उन्हीं के संरक्षण में सो जाया करता था। मतलब कहने का मतलब यह है कि उसकी देख रेख उसकी अम्मा, उसकी ग्रैंड मदर करती थी। थिंकिंग दैट हिज फादर वुड कम बैक विद बैग्स फुल ऑफ मनी एंड हिज मदर वुड बी बैक फ्रॉम हीवन विद ब्यूटिफुल गिफ्ट्स। अपनी दादी माँ अपनी ग्रैंड मदर के पास लेटे हुए सोते हुए उसे बार बार वो यही सोचा करता कि उनके पिताजी जो है वो वापस आएंगे, एक दिन वापस आएंगे, किसके साथ में, बहुत सारे पैसों के साथ में। एक बैग होगा उनके पास जिसमें बहुत सारे पैसे उनके पास में होंगे, और मम्मी भी आएगी कहाँ से, स्वर्ग से, स्वर्ग से मम्मी आएगी ब्यूटीफुल गिफ्ट लेकर के। ठीक है, ऐसा वो सोचा करता था अपनी दादी अम्मा के पास में रहते हुए। होप इज़ अ वंडरफुल थिंग एंड दैट टू अ चाइल्ड्स होप। यहाँ पर होप के बारे में बताया गया है, जो आशा, आशा के बारे में कहा गया है कि जो होप है वो बहुत वंडरफुल थिंग होती है, बहुत आश्चर्यजनक चीज़ होती है। और वही चीज़ इस बच्चे के पास भी थी, आशा, क्योंकि हमें पता है कि उसके मम्मी और पापा दोनों ही नहीं है, लेकिन एक 5 साल के बच्चे की सोच क्या होती है वो हमें बताया गया है कि वो अभी भी ऐसा सोचता है कि उसके मम्मी और पापा उसके पास वापस आएंगे। पापा आएंगे पैसों से भरा हुआ बैग लेकर, और मम्मी आएगी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर स्वर्ग से। चलिए आगे देखते हैं। पुअर अमीना सेट इन अर होवल एंड क्राइड। होवल का मीनिंग होता है चिमनी, या जहाँ पर खाना बनाया जाता है, चूल्हा, रसोई। यहाँ पर पुअर अमीना, गरीब अमीना बैठी हुई थी अपने चूल्हे के पास में, होवल के पास में, और रो रही थी। इट वॉज ईद एंड शी डिडंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस। ईद का समय था पर उनके घर में खाने के लिए ग्रेन्स नहीं थे, अनाज का दाना तक नहीं था खाने के लिए उनके घर में। एंड शी वॉज फिल्ड विद ग्लूम एंड डिसअपीयर व्हेन हामिद एंटर्ड द हट एंड सेड, यू मस्ट नॉट वरी अम्मा, आई विल बी बैक बिफोर एनीवन एल्स। वो दुख से भर जाती है, निराशा से भर जाती है जब हामिद हट के अंदर आता है, झोपड़ी के अंदर आता है, उनके घर के अंदर आता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं ईदगाह देखने के लिए, उनके लौटने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। अमीना फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड हर हार्ट। अमीना को बहुत परेशानी हो रही थी, अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था अमीना को। अदर चिल्ड्रन वर गोइंग, ऑल गोइंग विद देयर फादर्स, बट हामिद हैड नो वन टू एकम्पनी हिम। उसे इस बात का भी दुख था कि जो दूसरे बच्चे हैं वे अपने पापा के साथ में, अपने फादर के साथ में ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन हामिद के पास कोई भी साथ जाने वाला नहीं था। इस बात का भी अम्मा को बहुत बुरा लग रहा था। ही हैड नो शूज एंड हैड टू वॉक 3 miles, ही वुड गेट ब्लिस्टर्स। वो ये भी सोचती है कि हामिद के पास जूते नहीं हैं और उसे बहुत दूर जाना है, लगभग 3 miles, 3 मील उसे चलना है, उसे क्या हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। ब्लिस्टर का मीनिंग होता है छाला। देयर वर ओनली 8 पैसे इन द हाउस, 3 in Hamid's pocket and 5 in Amina's pouch। पूरे घर में, उनके घर में पूरे 8 पैसे थे, ओनली 8 पैसे उनके पास में थे, जिसमें से 3 पैसे हामिद के पास में थे और 5 पैसे अमीना के पास में थे। द विलेजर्स स्टार्टेड फॉर द फेयर, हामिद वॉज वॉकिंग अलोन विद द अदर चिल्ड्रन। अब मॉर्निंग में जो विलेजर्स होते हैं वे सारे जाने लगते हैं ईदगाह की तरफ, और हामिद भी, जो बच्चे जा रहे होते हैं उनके साथ साथ, वो भी जाने लगता है। वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे क्यों चलते हैं,
ये बताया गया है कि धीरे धीरे बच्चे चलते हैं क्योंकि वट एवर कॉट देयर आईज दे वुड स्टैंड एंड गैप एट इट इन वंडर, क्योंकि बच्चे हर एक चीज को बारीकी से पूरी तरह से देखते हुए चल रहे थे, जो कुछ भी उनकी आंखों को अच्छा लगता वे रुकते और उसे पूरी तरह से देखते फिर आगे बढ़ते, तो धीरे धीरे सारे चल रहे थे। हामिद फेल्ट ही हैड विंग्स ऑन हिज फीट, सडनली दे कुड सी द ईदगाह, हामिद को लग रहा था जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हैं क्योंकि उन्होंने क्या देख लिया था, सडनली ईदगाह उन्हें दिख गया था कि ईदगाह, अब हम ईदगाह में पहुंच गए हैं तो हमारे जो उसके पैर हैं वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनके पैर में पंख लग गए हों। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ वर्शिपर्स एज फार एज आईज कुड सी स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क कोर्टयार्ड, अब जैसे ही वो ईदगाह पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत सारी लाइनें और लाइनें ही दिखाई देती किसकी, वर्शिपर्स की, पूजा करने वालों की, प्रार्थना करने वालों की, जब तक जहां तक उनकी आंखें देख सकती वहां तक उन्हें लोग ही लोग दिखाई देते हैं, लाइन ही लाइन दिखाई देती है लोगों की, सारे के सारे कहां बैठे हुए हैं, मॉस्क कोर्टयार्ड में, जो मस्जिद का आंगन होता है जहां पर सब बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, वहां पर सारे लोग इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हियर नाइदर वेल्थ नॉर स्टेटस मैटर्स बिकॉज इन द आईज ऑफ गॉड ऑल मैन आर इक्वल, वहां पर क्या होता है कि ना तो पैसा मैटर करता है, ना धन दौलत मैटर करती है, और ना ही अमीर गरीब का भेदभाव होता है, सारे लोग एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, भगवान की नजर में सब बराबर हैं। द प्रेयर्स वर ओवर, मैन एम्बरेस्ड ईच अदर, प्रेयर खत्म हो जाती है उनकी, जो भी प्रेयर रहती है, जो प्रार्थना भगवान से करते हैं वे खत्म हो जाती है, नमाज उनकी खत्म हो जाती है, और सब खड़े होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। देन दे विजिटेड द स्वीट शॉप मेरी गो राउंड वुडन हॉर्सेस एंड कैमल्स सस्पेंडेड ऑन द रोड्स एंड द टॉयस वेंडर्स, अब सबकी नमाज खत्म होने के बाद सब लोग मेला घूमने जाते हैं, जो वहां पर दुकानें लगी हैं उन्हें देखने जाते हैं, क्या क्या देखते हैं, वे सबसे पहले घूमते हैं स्वीट शॉप पर, मिठाई की दुकान पर, उसके बाद मेरी गो राउंड मतलब जो गोल घूमने वाले झूले होते हैं वहां पर जाते हैं, उसमें वुडन हॉर्सेस वाला मतलब लकड़ी के घोड़े वाला जो झूला है वहां देखते हैं, कैमल सस्पेंडेड ऑन रोड्स और लटके हुए जो झूले रहते हैं जिसमें ऊंट लटके हुए होते हैं उन पर बैठ करके सवारी करते हैं, वही वाले झूले होते हैं वहां पर जाते हैं, टॉयस वेंडर्स मतलब खिलौने बेचने वाले जो लोग रहते हैं उनके पास में घूमने जाते हैं, इतनी सारी जगह पर वह घूमते हैं। हामिद्स फ्रेंड महमूद मोशीन नूरे एंड शमी रोड ऑन द केमल्स एंड हॉर्सेस, अब हामिद के जो दोस्त हैं कौन कौन, महमूद मोशीन नूरे और शमी, ये सब क्या करते हैं, केमल्स और हॉर्सेस की सवारी करते हैं, झूले पर झूलते हैं। हामिद स्टूड एट सम डिस्टेंस, हामिद कुछ दूरी पर खड़ा रहता है क्योंकि हामिद के पास पैसे नहीं थे तो वो सिर्फ उन्हें देखता है। ही कुड नॉट वेस्ट 3 पैसा ऑन एन ऑर्डिनरी राइड, वो नहीं चाहता था कि मेरे पास जो 3 पैसे हैं मैं इस तरह के असाधारण से काम पर उन्हें खर्च करूं, एक बेकार सी राइड पर उन्हें खर्च करूं। देन द चिल्ड्रन बॉट क्ले टॉयज एंड ही लुक्ड एट देम विथ लॉन्गिंग होपिंग दैट ही कुड कैरी देम फॉर अ लिटिल वाइल, अब उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, क्ले टॉयज खरीदते हैं, मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं, और जो हामिद रहता है वो उन्हें बड़ी लालसा के साथ में देखता है, लॉन्गिंग का मतलब होता है लालसा से देखना, और ऐसी आशा करता है, उसका ऐसा मन होता है, ऐसी कामना करता है कि ये लोग मुझे इन मिट्टी के खिलौनों को कुछ देर पकड़ने के लिए दे, ताकि उसे भी ऐसा लगे कि हाँ मैंने भी खिलौने खरीदे या मेरे पास भी खिलौने भले ही थोड़ी देर के लिए हो लेकिन उसके हाथ में आए, ऐसा वो सोचता है। आगे देखते हैं, आफ्टर द टॉयज इट वॉज स्वीट, खिलौने खरीदने के बाद मिठाई की बारी आती है, हामिद रिमेंड अलूफ, हामिद उनसे सबसे अलग ही रहता है। द बॉयज बॉट स्वीट्स एंड टीज्ड हामिद, बच्चे क्या करते हैं, जो उसके दोस्त वगैरह थे वो लड़के मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ाते हैं, हामिद को चिढ़ाते हैं कि देखो हमारे पास मिठाई है तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, इस तरह से। द हार्डवेयर शॉप्स दैट ले अहेड हैड नो अट्रैक्शन फॉर द बॉयज एंड दे वॉकड ऑन एक्सेप्ट हामिद, अब आगे हार्डवेयर की शॉप आती है लेकिन जो बच्चे रहते हैं वे हार्डवेयर की शॉप पर रुकते नहीं है, उनका अट्रैक्शन नहीं होता है वहां पर, वे सब आगे बढ़ जाते हैं लेकिन हामिद वहीं पर रुक जाता है हार्डवेयर की शॉप पर। अ पेयर ऑफ टोंग्स कॉट हिज अटेंशन, हिज ग्रैंडमदर डिड नॉट हैव वन, हार्डवेयर की शॉप पर हामिद को चिमटा दिखाई देता है, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, उसे चिमटा दिखाई देता है और उसे ऐसा लगता है कि ग्रैंड मदर के पास में चिमटा नहीं है, ऐसी चीज ग्रैंड मदर के पास नहीं है। ईच टाइम शी मेड चपाती शी बर्न्ट हर फिंगर्स, और जब उसे ऐसा महसूस होता है कि जब भी मेरी दादी माँ मेरी ग्रैंड मदर खाना बनाती है चपाती बनाती है तो उनकी उंगलियाँ जल जाती थी, ठीक है, इफ़ ही बॉट दिस टोंग्स शी वुड बी हैप्पी, और वह सोचता है कि अगर मैं टोंग्स खरीदता हूँ तो मेरी ग्रैंड मदर बहुत खुश होगी, इट वुड बी अ यूजफुल आइटम इन द हाउस, और टोंग्स घर में एक यूजफुल आइटम की तरह भी होगा, मतलब उपयोग करने लायक चीज़ होगी कि हाँ इसका हम यूज़ कर सकते हैं।
ही आस्क्ड द शॉपकीपर, वो शॉपकीपर से पूछता है, दुकानदार से पूछता है, इट इज़ फॉर सेल, पूछता है कि ये चिमटा जो है वो बेचने के लिए है। तो दुकानदार कहता है ऑफकोर्स, हाँ बिल्कुल, इट इज़ फॉर 6 पैसे, कि हाँ ये 6 पैसे का है। हामिद हार्ट सैंक, हामिद का जो दिल है वो टूट जाता है। ही पिक्ड अप हिज करेज एंड आस्क फिर्मली, उसने फिर से साहस बनाया और पूछा, विनम्रता से पूछा, विल यू टेक 3, वो कहता है कि क्या आप 3 ले लोगे, मतलब चिमटा की जो कीमत थी वो 6 पैसे थी, लेकिन वो पूछता है फिर भी कि क्या आप 3 ले लोगे, एंड वॉक डाउन, और आगे चला जाता है। अफ्रेड दैट द शॉपकीपर वुड स्क्रीम एट हिम, इसलिए आगे चला जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शॉपकीपर उसके ऊपर चिल्लाएगा, उसे डांटेगा। बट द मैन कॉल्ड हिम बैक एंड गेव हिम द टोंग्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो शॉपकीपर ने उसे बुलाया फिर से और टोंग्स उसे दे दिए। हामिद पुट इट ऑन हिज शोल्डर लाइक अ गन एंड फील्ड विद प्राइड जॉइंड हिज फ्रेंड्स, हामिद ने उन चिमटों को अपने शोल्डर पर रखा जिस तरह से गन को रखते हैं, बंदूक को रखते हैं, और बड़े गर्व के साथ अपने दोस्तों के साथ मिल गया। मोहसिन सेड, अब दोस्तों के बीच में बात होती है, मोहसिन कहता है व्हाई हैव यू बॉट अ पेयर ऑफ टोंग्स, व्हाट विल यू डू विद इट, वो कहता है कि तुमने ये टोंग्स क्यों खरीदे, चिमटे क्यों खरीदे, क्या करोगे तुम इनका। महमूद कहता है सो यू हैव मेड द टोंग्स इनटू अ टॉय, वो कहता है कि अच्छा तुमने टोंग्स खरीद कर क्या बना लिया, इनको खिलौने बना लिए, तुमने टोंग्सों को खिलौने बना लिए, मतलब टोंग्स तुम्हारे लिए खिलौना बन गए। हामिद रिप्लाइड व्हाई नॉट इफ आई हीट योर टॉयज विद इट दे विल ऑल ब्रेक, वो कहता है कि हाँ, हामिद कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मेरा यह खिलौना है, और अगर मैं इस चिमटे से तुम्हारे टॉयज तुम्हारे खिलौनों को टच करता हूँ या उन्हें हिट करता हूँ मारता हूँ तो तुम्हारे खिलौने सारे टूट जाएंगे। मोहसिन थॉट ऑफ अ न्यू वे टू टॉन्ट हामिद, अब मोहसिन क्या करता है, मोहसिन हामिद को ताना मारने का एक नया तरीका ढूंढता है। क्या कहता है, यूअर टोंग्स विल बर्न इट्स नोस इन द फायर एवरी डे, वो कहता है कि तुम्हारे जो टोंग्स हैं वो क्या करेंगे, रोज उनकी जो नाक रहेगी वो उसे रोज जलाएंगे, रोज जलेगी तुम्हारे टोंग्स की नाक, तुम्हारे जो टोई है टोंग्स उसकी नाक रोज जलेगी। हामिद हैड अ क्विक रिप्लाई, हामिद फटाक से एक रिप्लाई देता है, ओनली द ब्रेव डेयर जंप्स इनटू द फायर, कि केवल बहादुरों में ही साहस होता है आग के अंदर कूदने का, ये हामिद उन्हें रिप्लाई करता है। द थ्री बॉयज वर साइलेंट, तीनों जो लड़के रहते हैं वो सारे साइलेंट हो जाते हैं। हामिद हैड वन द फील्ड, और उनकी जो डिबेट होती है उनके बीच में जो बातें होती है उसमें हामिद जीत जाता है। नन ऑफ द बॉयज कुड डिस्प्यूट द फैक्ट हामिद बाय वाज द बेस्ट, अब उन लोगों के उन लड़कों के बीच में डिस्प्यूट झगड़ा करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि हामिद ने अपनी बात साबित कर दी थी कि मेरा जो टोंग्स है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, द रिस्पेक्ट दैट अ विक्टर कमांडेड फ्रॉम द वेनिस वाज पेड टू हामिद, एक अब यहाँ पर बताया जाता है कि जो विजेता को जो रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, वही आज यहाँ पर किसे मिली, हामिद को मिली। द अदर्स हैड स्पेंट अप टू 16 पैसे एंड बॉट नथिंग वर्थ वाइल, अब क्या होता है कि जो दूसरे बच्चे रहते हैं उन्होंने लगभग कितने पैसे खर्च कर दिए, 16 पैसे खर्च कर दिए, लेकिन कुछ भी वर्थ वाइल नहीं खरीदा उन्होंने, कुछ भी अच्छी चीज नहीं खरीदी जिसका हम यूज कर सकते हैं। ईच ऑफ द बॉयज बिगेन टू स्ट्राइक अ डील विथ हामिद, अब सारे जो बच्चे, एक एक बच्चा क्या करता है, एक डील करता है हामिद के साथ में, एक एक डील करते हैं, वो क्या बातें करते हैं देखते हैं। मोहसिन ने कहा लेट मी सी योर टोंग्स यू कैन कैरी माइन, वो कहता है कि मुझे तुम्हारे टोंग्स देखने दो, तुम मेरे सामान को रख लो अपने पास में, मतलब तुम्हारा सामान मुझे दे दो रखने के लिए, देखने के लिए, और मेरा सामान तुम रख लो। हामिद हैड नो ऑब्जेक्शन टू एक्सपेक्टिंग सच टर्म्स, और हामिद ने इस चीज़ को मना भी नहीं किया है ना, तो हामिद उनकी बातों में आ जाता है और उन्हें अपने टोंग्स दे देता है। द टोंग्स ग्रेजुअली पास्ड फ्रॉम वन हैंड टू अनदर वाइल हामिद वाज अलाउड टू हैंडल द टॉयज, अब हामिद क्या करता है, वन बाय वन सभी दोस्तों को टोंग्स देते जाता है, मतलब एक दोस्त को दिया, उसने उसे दिया, तो हामिद सभी को अलाउ करता है, सभी को इजाजत देता है कि हाँ तुम मेरा टोंग देख सकते हो। हामिद टोंग वाज कॉन्सिलियटरी, आई वाज ओनली टीजिंग यू, देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन दिस प्लान स्टील टोंग्स एंड योर ब्यूटिफुल टॉयज, अब यहाँ पर कॉन्सिलियटरी का मीनिंग होता है मेकिंग एंग्री पीपल काम, मतलब गुस्सा होने वाले लोगों को शांत करना है ना। तो हामिद क्या कहता है, हामिद की टोन रहती है, हामिद बोलता है इस तरह से कि जो गुस्सा हुए इंसानों को शांत करने वाली लैंग्वेज में बोलता है, आई वॉज ओनली टीजिंग यू, मैं केवल तुम्हें परेशान कर रहा था, देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन दिस प्लेन स्टील टोंग्स एंड योर ब्यूटीफुल टॉयज, मैं तो मजाक कर रहा था, हामिद कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे चिमटे जो स्टील का एक प्लेन सा चिमटा है इसकी तुलना तुम्हारे इतने ब्यूटीफुल खिलौनों से नहीं कर सकते, तुम्हारे खिलौने बहुत अच्छे हैं, मेरा तो एक सादा सा चिमटा है। आगे बट द बॉयज वर नॉट कन्विंस्ड, नोबडी इज गोइंग टू ब्लेस अस फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉयज, क्राइड मोहसिन, अब मोहसिन कहता है कि नहीं, हम लोग कन्विंस नहीं हुए, हमें मनाओ मत, वो कहता है, क्या कहता है,
कि हम लोगों को कोई भी शाबाशी नहीं देगा, हम जो खिलौने लेकर जा रहे हैं घर पर इनके लिए हमें कोई भी शाबाशी नहीं देगा, तुम्हें तो शाबाशी देंगे क्योंकि तुमने क्या खरीदा है, तुम्हारी ग्रैंड मदर के लिए चिमटा खरीदा है ताकि उनकी उंगली ना जले, लेकिन हमने ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं खरीदी है जिससे कि लोग हमें शाबाशी देंगे, हमें अच्छा कहेंगे। आगे देखिए, हामिद हैड टू एक्सेप्ट दैट नन ऑफ द बॉयज मदर वुड बी एज ग्लैड टू सी द टोंग्स एज हिज ग्रैंड मदर वुड बी टू सी द टोंग्स। अब हामिद ने ये एक्सेप्ट कर लिया, हामिद को मानना पड़ा कि कोई भी मम्मी इतनी खुश नहीं होगी जितनी कि उसकी दादी माँ होगी, उसकी ग्रैंड मदर होगी चिमटों को देख करके। महमूद वाज हंगरी एंड टुक आउट सम बनानास हिज फादर हैड गिवन हिम। अब महमूद को भूख लगती है तो महमूद क्या करता है, महमूद केले निकालता है जो कि उसके फादर ने उसे दिए थे। He shared them only with Hamid, while other started with their mouths watering. अब जो महमूद के पास केले थे, महमूद सिर्फ किसे देता है, हामिद को। बाकी सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमें भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, लेकिन सबके मुंह में पानी आता है, लेकिन महमूद सिर्फ किसके साथ शेयर करता है केलों को, बनानास को, हामिद के साथ में। That was the glory of the tongs. ये किसकी ग्लोरी थी, किसका चमत्कार था, उन चिमटों का। उन चिमटों की वजह से महमूद इतना प्रभावित हुआ कि वो अपने केलों को सिर्फ हामिद के साथ शेयर करता है और किसी को नहीं देता है। आगे देखिए, बाय 11 o'clock देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द विलेज एज एवरीबडी वॉज कमिंग होम। अब 11 o'clock 11 बजे एक्साइटमेंट होती विलेज के अंदर कि सबको ही, जो जितने भी लोग गए थे सभी वापस लौट रहे थे अपने अपने घर, 11 बजे सब अपने अपने घर एक्साइटमेंट में लौट रहे थे। ऑन हियरिंग हामिद्स वॉइस अम्मा रश्ड फॉरवर्ड एंड पिक्ड हिम अप। जैसे ही हामिद की अम्मा ने उसकी आवाज़ सुनी, वो जल्दी से दौड़कर आई और उसे अपने हाथों से उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया। When she spotted the tongs in his hands, she was taken aback. लेकिन जैसे ही उसने, ग्रैंड मदर ने उसके हाथों में वो देखे, टोंग्स देखे, तो वो अपने कदमों को पीछे ले लेती है, ठीक है, मतलब उसे उठाने जाती है, लेकिन जैसे ही उसके हाथों में चिमटा देखती है वो वहीं पर रुक जाती है। अब वे क्या पूछती है, वे पूछती है Where did you get it from? वो कहती है कि ये तुम कहाँ से लाए, तो वो आंसर करता है I bought it, वो कहता है मैंने इन्हें खरीदा है। वो कहती है, फिर वो पूछती है For how much, कितने में खरीदा तुमने, तो हामिद कहता है For 3 paise, मैंने 3 paise में इन्हें खरीदा है। अब आगे क्या होता है, अमीना grew angry, अमीना को बहुत गुस्सा आता है। What a stupid boy, कितना बेवकूफ लड़का है। It is almost none and he had not eaten anything, वो कहती है कि ये चिमटा ना के बराबर है, मतलब ये चिमटा कुछ भी नहीं है और तुमने कुछ भी नहीं खाया, मतलब 3 paise तुम लेके गए थे तो तुमने एक ऐसी चीज़ खरीदी जो कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए था, तुमने कुछ नहीं खाया और ये चीज़ खरीद ली। What will you do with it, क्या करोगे तुम इसका। इस तरह से वो डांटती है उसे, ग्रैंड मदर हामिद को डांटती है गुस्से में, क्योंकि उसने उन पैसों से चिमटा खरीदा था, कुछ खाया नहीं था। हामिद सेड मीकली यू बर्न योर फिंगर्स, हामिद कहता है यू बर्न योर फिंगर्स व्हेन यू मेक चपाती, दैट इज व्हाई आई बॉट इट। हामिद कहता है कि तुम अपनी उंगलियों को जला लेती हो जब आप चपाती बनाती हो, मतलब जब ग्रैंड मदर चपाती बनाती है तो उनकी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैंने इन चिमटों को खरीदा, ऐसा वो कहता है, हामिद कहता है अपनी दादी माँ से। द ओल्ड वुमेन्स एंगर चेंज इनटू लव, अब जैसे ही वो सारी बातें सुनती है तो उनका जितना भी गुस्सा होता है ग्रैंड मदर को, वो सारा किस में बदल जाता है, प्यार में बदल जाता है। व्हाट कंसर्न फॉर अदर्स, व्हाट अ बिग हार्ट, वो कहता है कि देखो दूसरों के लिए कितनी अच्छी सोच है, क्या दूसरों का हम क्या करते हैं, कितना विचार करते हैं दूसरों के बारे में, कितना सोचते हैं और कितना बड़ा दिल है, द पुअर बॉय, कितना मतलब कहता है कितना अच्छा बच्चा है, कहने का मतलब है ना। हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर्स बाइंग टॉयज एंड स्वीट्स, वो सोचती है कि देखो ये बच्चा कितना सफर किया होगा वहां पर, जब दूसरे बच्चे खिलौने और मिठाइयां खरीद रहे थे तो इसने कितना कितना परेशान हुआ होगा, इसका मन भी कितना हुआ होगा कि मैं भी ये सारी चीजें खरीदूं, तो इसने अपने मन को कितना मारा होगा, कहने का मतलब ये। इवन एट द फेयर ही थॉट ऑफ ओनली हिज ग्रैंड मदर, यहां तक कि जब ये मेले में था तब भी इसने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचा। शी ब्रोक डाउन, है ना, इस तरह से वो टूट जाती है अपने अंदर ही अंदर। द ओल्ड वुमेन बिकेम अमीना द लिटिल गर्ल, लार्ज टीयर्स फेल फ्रॉम हर आईज। अब जो ओल्ड वुमेन थी, इतनी बड़ी जो उनकी ग्रैंड मदर थी, वो बन जाती है छोटी सी बच्ची, मतलब वो ये सारा सोच करके अपने बारे में कि मेरा जो छोटा सा बच्चे का बच्चा है वो मेरे बारे में कितना सोचता है, मेले में उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, खाने पीने के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपनी दादी माँ के, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचा, तो अमीना जो इतनी बड़ी वुमेन थी वो एक छोटी सी बच्ची बन जाती है उस समय। एंड लार्ज टीयर्स फेल फ्रॉम हर आईज वाइल हामिद कम्फर्टेड हर, जब तक कि, और उनकी आंखों से क्या बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं, छोटे बच्चे जिस तरह से रोते हैं उनकी ग्रैंड मदर ऐसे रोने लगती है हामिद की, और हामिद उन्हें चुप कराता है, उन्हें कम्फर्टेड करता है। हामिद द चाइल्ड बिकेम हामिद द ओल्ड मैन, है ना, तो हामिद जो बच्चा था वो बड़ा होकर क्या बनता है,
मतलब कहने का मतलब ये कि बड़ी जो ग्रैंड मदर है वो बन गई छोटी बच्ची, और एक छोटा सा जो बच्चा था हामिद वो बन जाता है एक ओल्ड मैन, मतलब जैसे बड़ों की सोच होती है ऐसी एक छोटे बच्चे की यहाँ पर सोच थी। अमीना विशिष्ट अल्लाह ब्लेसिंग फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड, विशिष्ट का मतलब होता है आस्क्ड इन एन एंग्जियस वे, अमीना कहती है कि ग्रैंड चाइल्ड के ऊपर सारी अल्लाह की ब्लेसिंग्स हो जाए, मतलब एक तरह से दुआ देती है कि अल्लाह तुम्हारा भला करे इस तरह से। हाउ वुड हामिद अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड हर, अब छोटा सा बच्चा 5 साल का बच्चा किस तरह से समझेगा कि उसकी ग्रैंड मदर उन्हें क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, उनके मन में क्या फीलिंग है, एक छोटा सा बच्चा किस तरह से इस चीज़ को समझेगा। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको समझ आया होगा, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छी सीख हमें इस चैप्टर से मिली कि हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो इस्तेमाल योग्य होती है, उन चीज़ों को खरीदना चाहिए, हमें फालतू के पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं क्या फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल करेंगे या फिर हमारे पैसे बर्बाद होंगे, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। आई होप आपका चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।